हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो अगर आपके पास सैमसंग का 5-स्टार फ्रिज है और 198 लीटर में है, तो उसको आप जो है डिफ्रस्ट कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली गर्मी के मौसम में होता क्या है, जो अगर आप लोग फ्रीजर में कोई भी सामान रखते हैं या बर्फ जमाते हैं, तो वो जो है पूरे फ्रीजर के चारों ओर जो बर्फ जम जाता है, तो उसे आप लोग कैसे हटा सकते हैं, उसे आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो डिफ्रस्ट उसे कहते हैं गाइस, जो अगर फ्रिज का एक ऐसा फंक्शन होता है डिफ्रस्ट, जिसके द्वारा जो है आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सारा बर्फ, फ्रीजर में जो बर्फ होगा वो सारा बर्फ जो है अपने आप गल के पानी बन के निकल जाएगा, तो उसे हम डिफ्रस्ट कहते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सैमसंग का जो है मैनुअली डिफ्रस्ट करके हम बताएंगे, उसका बटन कैसे वर्क करता है, वो कितना दिन में आप, सप्ताह में कितना दिन आप डिफ्रस्ट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बताने वाले हैं और करके बताने वाले हैं। सो दोस्तों अगर चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और गाइस बगल में बेल आइकन आएगा, प्लीज उसे भी प्रेस कर दें। सो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सैमसंग का फ्रिज का डिफ्रोस्ट मैनुअली करके हम दिखाएंगे, डिफ्रोस्ट बटन कैसे आपको क्लिक करना है और कितना समय आपको लगेगा वो डिफ्रोस्ट होने में, सारा चीज आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों चलिए फ्रिज को हम ऑन ये खोल लेते हैं इसका, उसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें क्या आपको कैसे करना पड़ेगा। तो फाइनली गाइज अभी ठंड का सीजन चल रहा है, तो उतना फ्रिज में ये फ्रिज ज़्यादा ये नहीं रहता है, तो इसमें बर्फ़ वगैरह नहीं है। बट आप अगर समर में हैं, गर्मी में हैं, तो गर्मी के महीने आपको कैसे करना है डिफ्रोस्ट, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। आप लोग उस तरह से आप लोग डिफ्रोस्ट करके अपना जो है इसमें जो बर्फ़ जम जाता है, इस वाले में जो बर्फ़ जम जाता है फ्रीजर में, इसे आप ये कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखावट है, इसमें लिखा हुआ है तो बर्फ का स्तर फ्रीजर जोन के अंदर डिफ्रोस्ट संकेतक से अधिक होने पर नीले रंग के बटन को दबाएं। ये है डिफ्रोस्ट बटन, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपका जो है डिफ्रोस्ट होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे में आप लोग देख सकते हैं, सप्ताह में 2 बार नियमित रूप से डिफ्रोस्ट बटन को दबाएं, सप्ताह में 2 बार। अगर गर्मी का महीना में आपका जो है ये बर्फ से पूरा ढक जाता है पूरा इसमें फ्रीजर जोन में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सप्ताह में 2 बार डिफ्रोस्ट बटन को दबा सकते हैं। तो अब दबाना कैसे है, इसको जो है ये नीले रंग का बटन, इसको आपको ऐसे करके प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करेंगे नीले रंग का बटन, ये डिफ्रोस्ट होना चालू हो जाएगा। फ्रीजर का जो है ये आवाज़ साउंड जो है कम हो गया है, जैसे ही ये बटन प्रेस करेंगे तो ये फ्रीजर का जो है अंदर जो है बर्फ सब गलना चालू हो जाता है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग भी जो है गाइज डिफ्रोस्ट कर सकते हैं। और इसका टाइमिंग मैं बता दूँ तो ये 3 से 4 घंटे में जो है आपका डिफ्रोस्ट होकर के सारा बर्फ गल के वो निकल जाएगा, पानी के रूप में निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग भी डिफ्रोस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और गाइज आपको ये फ्रिज कैसा लगा, अगर आप लोग भी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग भी फ्रिज को बाय कर सकते हैं। ये सैमसंग का 5-स्टार फ्रिज है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये 5-स्टार फ्रिज है। यहां पे मैं इसका दिखा देता हूं, 5-स्टार फ्रिज है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन ये 104 यूनिट पर ईयर आपको लगेगा, जो काफ़ी कम इसमें जो है बिजली खपत होती है। और तो गाइज कुछ इस तरह से आप लोग भी ये फ्रिज परचेस कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा है। और लगभग मैं ये फ्रिज को जो है 3 मंथ से यूज कर रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक, बाद में की सारा चीज़ अच्छा है, तो आप लोग भी बाय कर सकते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।